महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिला है। वहीं अमित शाह ने सीएम शिंदे फडणवीस से फोन पर बात की है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने अजीत पवार से भी बात की है और जीत की बधाई दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने फोन पर तीनों को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो रुझान की तस्वीर है वो सामने आ चुकी है और यहाँ पर महायुति को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ देखा जा रहा है। देखिए, एनडीए के खाते में 222 सीटें जा रही हैं और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिंदे से, फडणवीस से और अजीत पवार से बातचीत की है, जिसकी तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है। जीत के बाद की पहली तस्वीर फडणवीस की आप देख रहे हैं। अब ये फोन पर आज बातचीत की गई है जहाँ पर तीनों को अमित शाह ने बधाई दी है। जीत की ये बधाई आज दी गई है। महाराष्ट्र में जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि महायुति को ये जो बहुमत का आंकड़ा है ये पार करते हुए देखा जा रहा है। लगातार बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिलेगा और उसकी तस्वीरें भी ये सामने आ रही हैं जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और अमित शाह ने फोन पर तीनों को जीत की बधाई दी है। बता दें कि अमित शाह ने फोन पर फडणवीस, अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत की है और उनको महाराष्ट्र में जो बहुमत मिला है उसके लिए जीत की बधाई भी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो आंकड़े हैं ये सामने आ चुके हैं और साफ हो गई है ये तस्वीर कि यहाँ पर महायुति को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 222 सीट इस वक्त महायुति के जो गठबंधन है इसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 53 सीटें उनके खाते में है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बीजेपी में ये जो जश्न का माहौल है इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अमित शाह ने अजीत पवार से भी बात की, देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे से भी फोन पर बात की और महाराष्ट्र में उनको जीत की बधाई दी।